सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैप कोड पर्टिकुलर प्लगइन के रिगार्डिंग। सो बेसिकली आज हम ऑप्शंस देखेंगे पर्टिकुलर प्लगइन के, कि बेसिकली प्लगइन काम कैसे करती है। एंड ये गाइज जो प्लगइन है, ये बेसिकली हम इसे यूज करते हैं फॉर मोशन ग्राफिक्स एंड हम इसे यूज करते हैं फॉर कंपोजिटिंग। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिमुलेशन टाइप के हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं एंड हम उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करके, उसे कुछ मॉडिफिकेशन करके हम अपने अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे यूज करते हैं। आइदर इट कैन बी लाइक इन मोशन ग्राफिक्स और हम उसे कंपोजिटिंग में यूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस प्लगइन को बनाया है रेड जाइंट वालों ने एंड ये प्लगइन पेड है। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और जस्ट यहाँ पे इसे जस्ट टाइप कर रहा हूँ पार्टिकल या पर्टिकुलर, जो भी आपको टाइप करना है। ठीक है, देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू एंड देन सॉलिड। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं। गाइज, मैं इस प्लगइन के रिगार्डिंग सीरीज बनाऊंगा और ये गाइज फर्स्ट पार्ट है सीरीज का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ले लिया न्यू सॉलिड और हमें यहाँ पे जस्ट जाना है इफेक्ट में और यहाँ पे आपको मिलेगा RG ट्रैप कोड और आपको यहाँ पे ना बहुत सारे अभी ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर। सो आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ फ्रेम आगे जाते हैं सो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड वन मोर थिंग, इसके लिए आपका सिस्टम गाइस काफी अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज कई बार आपकी फाइल क्रैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ थर्ड, ताकि हमारा सिस्टम यहाँ पे हैंग ना करे। अब इसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा डिजाइनर। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में सिर्फ इस वाले ऑप्शन की बात करूंगा और इस वाले ऑप्शन में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे। सो हमें जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है डिजाइनर के ऊपर। ठीक है, सो जैसे ही आप यहाँ पे आप क्लिक करते हो उस ऑप्शन के ऊपर, सो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा एमिटर टाइप। एमिटर का मतलब होता है कि जहां से आपकी पार्टिकल्स स्टार्ट होती है, इट मींस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से भी आपका पार्टिकल शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड एमिटर पॉइंट। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करते हैं बी और जो भी आपका यहाँ पे आपके यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट होगा, लाइक अभी हमारे यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट है एमिटर टाइप, हमने इस पर क्लिक किया और अगर आप प्रेस करते हैं बी तो वहां पे उसके एमिट के कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट उस बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करो, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे इसका एमिटर चेंज करना है, आप जस्ट किसी भी ऑप्शन में क्लिक कर दो, सो कुछ उस टाइप से वहाँ पे वो एमिट वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे जो भी आपको करना है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन को चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इट मींस जो एमिटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट यहाँ पे मिलेगा रीसेट का बटन, आप इसमें अगर क्लिक करते हो रीसेट के ऊपर, सो आपके जो भी एमिट है यहाँ पे अगेन यहाँ पे रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप अपने माउस को फ्री हैंड मूव करते हो कुछ इस टाइप से, सो आप देख सकते हो आपके ना एमिटर यहाँ पे मूव करेंगे, लेकिन जब आप अपने माउस को छोड़ दोगे तो वो वापस यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद इस एमिटर के यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिलती है लाइक मोशन, अगर आप इसमें क्लिक करते हो सो यहाँ पे आप इसको जस्ट रोटेट कर सकते हो इस एक्सिस में, यहाँ पे आपको मिलता है कि आपको डायरेक्शन करनी है या वी डायरेक्शन करनी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो पार्टिकल्स टाइप, सो बेसिकली यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से, ये बेसिकली इस पार्टिकल्स के टाइप है। अब गाइस, जो ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं या जो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो सेम प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बाहर यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, ये सेम प्रॉपर्टीज है जो हमारे अंदर होती है, लेकिन हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं इसे लोड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको मिलता है साइज रोटेशन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप बेसिकली इस पर्टिकुलर एमिट की या पार्टिकल्स की आप यहाँ पे मतलब साइज को चेंज कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे साइज है कुछ इस टाइप से, आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज को रीसेट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो तो आप यहाँ पे इसको रीसेट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे इसे मैंने इसका साइज को यहाँ पे कुछ इस टाइप से किया, लाइक इसे मैं कर देता हूँ अराउंड 3। ठीक है, या 30 कर दिया, ज्यादा हो गया। ठीक है, कम कर देते हैं इसको अराउंड 3। ठीक है, अगर आपको इन ऑप्शंस को अगर आपको यहाँ पे सेव करना है, सो आप इस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल के आप इसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, XYZ आपकी चॉइस है।
तो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पे सेव हो जाएगी। आप ऐसे ही जितने भी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज मिलती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओपेसिटी के ऊपर, सो आप ऐसे ही आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलता है गाइस ओपेसिटी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं। इट मीन्स ये ओपेसिटी के ग्राफ को कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट करेगा ताकि वो ओपेसिटी का फ्लो उस तरीके से यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है गाइस ये वाला टूल। अगर आप इस पर क्लिक करते हो सो आप इसे मैनुअली आप यू नो आप इसको जस्ट कट कर सकते हो मैनुअली। अगर आप इस वाले टूल पर अगर आप क्लिक करते हो सो आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप पॉइंट्स को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से आप लो रीसेट यहाँ से। ठीक है, इसके बाद मिलता है आपको कलर। कलर मीन्स यहाँ पे आपको जो भी आपको कलर रखना है आप यहाँ पे कलर इसका कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी रखना है ओवर लाइफ या जो भी, सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। और यहाँ से आप उसके कलर्स को आप मैनुअली जस्ट डबल क्लिक करो और यहाँ से आप यू नो आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ से अगर आपको सेव करना है इसे, आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आपको रीसेट करना है आप यहाँ से रीसेट यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस टाइप से लाइक दिस। इसके बाद आपको यहाँ पे शेडिंग के आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आपको जस्ट क्लिक करना है। अब गाइस एक चीज ध्यान रखना, जो भी ये जितने ऑप्शंस हैं ये हम उस एमीटर को हम वहाँ पे चेंज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे एमीटर की प्रॉपर्टीज को हम चेंज कर रहे हैं इन सारे ऑप्शंस के थ्रू। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो सो आप यहाँ पे शेडिंग को ऑन कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे शेडिंग ऑन नहीं होगी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है, इसको ऑफ कर रहा हूँ। अब गाइस यहाँ पे आपको मिलता है फिजिक्स का ऑप्शन। अब यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स के अंदर यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, ग्रेविटी, एयर बाउंस और स्फेरिकल फील्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्रेविटी के ऊपर, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ग्रेविटी की यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है। इट मीन्स आप यहाँ पे इसको जस्ट चेंज कर सकते हो ग्रेविटी का कुछ इस टाइप से लाइक दिस। ठीक है, अगेन यहाँ पे रिसेट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं एयर बाउंस के। गाइस अगेन ये सारे ऑप्शन आपको बाहर भी मिलेंगे, ये वाले ऑप्शन मैं आपको बाहर भी आपको समझाऊंगा, बट जस्ट फॉर द बेसिक आज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपको ये वाले ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे एयर बाउंस के ऑप्शन मिलते हैं। सो आप इसको बेसिकली यहाँ पे मूव कर सकते हैं जो भी आपको इसके विंड की डायरेक्शन रखनी है कुछ इस टाइप से, या विंड का जो भी एक्स वाई जेड एंगल है। ठीक है, इसके बाद अगेन यहाँ पे रिसेट कर रहे हैं और ऐसे ही आपको यहाँ पे कुछ ये वाले ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे गाइस यहाँ पे मास्टर यहाँ पे सिस्टम क्या होता है। पहले मैं इसको एक बार रीसेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ प्रीसेट्स। ठीक है, पी यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की, आप पी प्रेस करोगे तो बेसिकली यहाँ पे प्रीसेट का पैनल आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको दो चीजें मिलती है, सिंगल सिस्टम प्रीसेट्स एंड मल्टीपल सिस्टम प्रीसेट्स। अभी होते क्या, इनको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैं मल्टीपल सिस्टम प्रीसेट्स के अंदर हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखा और यहाँ पे कुछ बने बनाए यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं, आप इनको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जस्ट मैं यहाँ पे मैंने पी प्रेस किया, मैं वापस आया। अभी आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे एक सिंगल लेयर है, यहाँ पे आप इसको लेयर समझो जस्ट लाइक इन फोटोशॉप। और अभी यहाँ पे जस्ट लिखा है मास्टर लेयर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ पे नए यहाँ पे लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी अगर मैं क्लिक करता हूँ मल्टीपल सिस्टम प्रीसेट्स में, और अगर जैसे मैंने किसी भी यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करा, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वो बेसिकली वो प्रीसेट यहाँ पे लोड हो जाएगा। सो गाइस अगर आप मल्टीपल प्रीसेट्स में अगर आप क्लिक करते हो सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे लेयर्स बन गई है। इट मीन्स बेसिकली मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि हमने सिंगल सिंगल हमने पार्टिकल्स को मिला के हमने कोई मल्टीपल हमने यहाँ पे पार्टिकल्स को बनाया। तो सेम फंडा गाइस यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल्स को मिला के यहाँ पे एक पार्टिकल्स को बनाया गया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिस्टम टू में, सो अब मैं यहाँ पे इसके पर्टिकुलर ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, मैंने जैसे यहाँ पे कर लिया कुछ ब्लू, ओके करेंगे। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये ब्लू कलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम थ्री में जाऊंगा और मैंने यहाँ पे इसका कलर कर दिया कुछ वाइट या कुछ भी, मैंने यहाँ पे इसे कर दिया लाइक ब्लू अगेन। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो कलर है चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल सिंगल पार्टिकल्स को मिला के यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे बना है। ठीक है, आप इनकी प्रॉपर्टीज को मैन्युअली उस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर जाके आप क्लिक करो और यहाँ पे आपको जो भी इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, जो भी आपको करना है, आप इसके ऊपर कर सकते हो। आइदर इट कैन बी शेडिंग, आपको इसकी फिजिक्स चेंज करनी है, आपको इसके पार्टिकल चेंज करने हैं, आप मैनुअली कर सकते हो। सो गाइस इसका मतलब होता है यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम प्रीसेट्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल सिस्टम प्रीसेट्स की। ठीक है, तो अभी मैं आप जस्ट कंट्रोल सेट कर रहा हूँ और आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंगल सिस्टम प्रीसेट्स में, और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी प्रीसेट्स को मैंने यहाँ पे लोड किया जस्ट कुछ इस टाइप से, और मैं वापस आया पी प्रेस किया, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने वहां से प्रीसेट्स ओके किया तो उसने सेम जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे मास्टर लेयर थी उसी के ऊपर उसने वहां पे ओवरराइट कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि आपने जो सिंगल सिस्टम प्रीसेट यूज किया वो इस लेयर पे ना के किसी अदर लेयर पे आए, तो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करो, या तो आप इसको डिलीट कर लो। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो इस वाले आइकन के ऊपर एड अ सिस्टम, इतना करने के बाद आप जाओ इसमें सिंगल सिस्टम प्रीसेट, यहाँ पे क्लिक करो सिंगल सिस्टम प्रीसेट्स में, बट मेक श्योर आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे क्लिक होना चाहिए सिस्टम टू, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी प्रीसेट को लोड करो। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो हमने अभी ऐड किया है सिंगल सिस्टम प्रीसेट वो हमारा सिस्टम टू लेयर पे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और मास्टर में फर्स्ट वाला है जो बाय डिफॉल्ट रहता है, ठीक है। गाइज इसको ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसका यूज आगे होगा। सो इसके बाद अगर आप इसके आइकन में क्लिक करते हो और आप यहाँ पे क्लिक करते हो लाइक डिलीट सिस्टम, तो इसे हम डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट सिस्टम डुप्लीकेट कर सकते हैं, सोलो सिस्टम आप क्लिक करोगे इट मीन्स यहाँ पे सोलो दिखलाएगा, जो भी मतलब सिर्फ इसको दिखलाएगा, बाकी पार्टिकल्स को ऑफ कर देगा, ठीक है। और इसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे रीसेट सिस्टम, तो बेसिकली यहाँ पे इसको रीसेट कर देगा। यहाँ पे करेंगे सेव सिस्टम प्रीसेट, तो बेसिकली आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यही आपको पार्टिकल यूज करना है, इन दैट कंडीशन आप यहाँ पे क्लिक करो अप्लाई के ऊपर, सो बेसिकली कॉम्पोजिशन में वो आपका प्रीसेट लोड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। अभी आप इस वाले ऑप्शन को समझो, यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन वाले ऑप्शंस की बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। एंड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप इंस्टाग्राम पर भी डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।